दोस्तों आज मैं V25 Pro वीवो का यह फ़ोन है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। यह फ़ोन अनाउंस्ड हुआ था 17 अगस्त 2022 को और यह मार्केट में अवेलेबल हुआ 25 अगस्त 2022 को। आपको यह बता दूं यह एक एंड्रॉयड फ़ोन है जहां जिसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 फन टच OS पे काम करता है, जहां इसमें एमोलेड स्क्रीन लगाकर दिया गया है तथा यह 120 Hz पे काम करता है। इसके साथ आपको 66 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार 30 मिनट्स में 71% का चार्ज कर देता है और 15 मिनट्स में 40% तक चार्ज कर देता है। यह दो रंग में उपलब्ध है, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। वहीं इसकी बैटरी लाइफ 101 आवर की है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह कर्व्ड स्क्रीन के साथ आता है। इसकी स्क्रीन साइज 6.56 इंचेज की है। अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 89.6% का है। पिक्सल डेंसिटी 398 है। यह फोन दो वेरिएंट में उपलब्ध है, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरी है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 MP का है और जो दूसरा है वो 8 MP का और तीसरा है 2 MP का माइक्रो कैमरा लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 32 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है। सभी कैमरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली 64 MP की तो कोई जोड़ ही नहीं है। भी बहुत सारे फीचर इसमें अवेलेबल है, जैसे फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें कलर चेंजिंग बैक पैनल मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यह आपके बजट में है। इसकी अभी प्राइस है 30,900 रुपये।